अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक सोचा के बना दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की फिर मेरे पास क्यूरीज आ रही होती हैं कि अकाउंट कैसे बनेगा, असाइनमेंट कैसे सबमिट होगी, इसको ईमेल करना है, कैसे पोस्ट करना है, क्या करना है। तो मैंने सोचा चलें आज इसकी एक ट्राई करके देखते हैं, एक वीडियो बना देते हैं आपके लिए। तो ये है एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट है, जो कि सरकार चीफ नज़ीर साहब की तरफ से हमें मिली है, और हमने इसको पोस्ट करना है टर्निट अकाउंट के ऊपर। टर्निट का हमें अकाउंट बनाएंगे और उसके ऊपर हम इसको पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी ये वीडियो है, इसके आप देखें कि एक टर्निट के ऊपर हम अकाउंट कैसे बनाएंगे और इस वीडियो को हम और असाइनमेंट कैसे पोस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे turnitin.com, गूगल के ऊपर सर्च करें या www.turnitin.com में ब्राउज़र में टाइप करें तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्रिएट अकाउंट में, ये क्रिएट अकाउंट आपके पास यहाँ कॉर्नर में ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है, क्रिएट अकाउंट में आप जाएं। यहाँ पे आपके पास ये तीन ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, स्टूडेंट, टीचिंग असिस्टेंट या इंस्ट्रक्टर। तो आपने जाना है स्टूडेंट के अंदर, ये स्टूडेंट के ऊपर आप क्लिक करें, आपके पास ये क्रिएट अ न्यू स्टूडेंट प्रोफाइल का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज है, इसको आपने फिल आउट करना है और इसमें सारी डिटेल देने के बाद आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जो डिटेल है वो हम इसमें जस्ट लाइक 210 जो हमारी क्लास आईडी है, हमें सर ने नोट करवाई है, वो हमारी ये क्लास आईडी है। क्लास इनरोलमेंट की वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अपना नेम टाइप करेंगे, जो भी आपका नेम है, लाइक समथिंग ABC, एनीवन ऑफ योर नेम, योर लास्ट नेम XYZ, देन टाइप योर ईमेल आईडी। आई एम टाइपिंग माई ओन एंड यू कैन टाइप योर ओन योर ई मेल आई डी। उसके बाद आप अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लें, कोई भी आप जो पासवर्ड रखना चाहें, एनी वन ऑन योर ओन चॉइस, आप एक पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लें। देन योर सीक्रेट क्वेश्चन, कोई भी आप अपना एक सीक्रेट क्वेश्चन रख सकते हैं, उसका एक नेम रख लें, लाइक माय फ्रेंड। नाउ ये टर्म एंड कंडीशन का पेज है, इसको आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। एंड देन कैप्चा बॉक्स में आप चेक बॉक्स करेंगे कि आई एम नॉट अरे अबाउट एंड आई एग्री क्रिएट अ प्रोफाइल। हाँ, ओके, वो कह रहा है कि भाई जो आपने ईमेल आईडी सेट किया है वो ईमेल एड्रेस ऑलरेडी पहले से किसी बंदे ने चूज़ किया हुआ है, तो हम नहीं इसके ऊपर बनाएंगे, हम किसी और ईमेल आईडी से बना लेंगे। तो जब आप अपना ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें दुरुस्त प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको एरर नहीं देगा, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसको साइन इन कर लेते हैं। मैंने जो एक अपना प्रीवियस अकाउंट बनाया हुआ है, मैं उसके साथ इसको साइन इन कर लेता हूँ आप लोगों को शो करवाने के लिए। इसका कोई आप पासवर्ड अपना टाइप कर लें एंड लॉग। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा पेज लॉगिन हो गया, इसमें ये हमारा टर्निट का पेज हमारे पास व्यू हो रहा है। यहाँ पे हम
आपको ये नज़र आ रहा होगा हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, रेफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, क्लास आईडी, उसके बाद क्लास नेम एमएससीएस सेकंड सेमेस्टर, इंस्ट्रक्टर काशिफ नज़ीर। तो यहाँ पे हम जाएंगे एमएससीएस सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पे आप देखें क्लास होम पेज के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। असाइनमेंट इनबॉक्स है, इसके अंदर जो हमारी असाइनमेंट है इंट्रोडक्शन, जो भी हम अपना रिसर्च का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, और उसकी स्टार्ट डेट है 20 अप्रैल, ड्यू डेट है 3 मई, पोस्ट डेट भी है 3 मई। और यहाँ से हम सबमिट के ऊपर जाएंगे और अपनी असाइनमेंट, आप उसका टाइटल सेलेक्ट करें, चूज़ फ्रॉम योर कंप्यूटर, ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव, जहाँ से भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, अपनी फाइल अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट कर दें। तो यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी कि आपकी कितनी, जब आप इसको पोस्ट करेंगे कितने परसेंट आपका प्लेजरिज्म है उसके अंदर, और सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी कि कैसे आपने उसको करना है। और अगर इसको दोबारा से, अगर प्लेजरिज्म आपका ज़्यादा उसके अंदर निकल आता है, तो दोबारा से आपने उसको कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है, तो दोबारा भी आप यहीं सबमिट के ऊपर जाके दोबारा से उसको सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन उसमें अक्सर काम, जैसा कि सर ने बताया था कि टाइम लिमिट की ऑप्शंस आ जाती हैं हमारे पास, हम एक दिन से, एक दिन में 2 दफ़ा नहीं कर सकते या 2 दिन से पहले नहीं कर सकते, इस तरह की कुछ लिमिटेशंस हमारे पास आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि जब आप इसको फाइनल हतमी बना लें उसके बाद ही इसको सबमिट करें। और अगर उसके अंदर प्लेजरिज्म आपका, सर ने आई थिंक बोला था कि 20% या आई थिंक 25% तक होना चाहिए, आप, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो जितना भी रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर आपका उससे ज़्यादा आ रहा है प्लेजरिज्म आपके पास, तो देन आप इसको दोबारा से रिव्यू करके इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टैलेंट के हवाले से छोटी सी वीडियो। मज़ीद मेंडले को कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर साइटेशन कैसे करनी है, उसके अंदर पेपर आपने कैसे इंसर्ट करने हैं, इसके हवाले से भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ मैं शेयर करवा दूंगा। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं इंशाल्लाह एक मेंडले के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। टर्निट के हवाले से आप लोगों को मैंने ये अपना वीडियो बना दी है। तो बाकी लाइक माई पेज, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ और उसको शेयर करवा सकूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।